Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine and staying at your home. So today, as the title shows, drawing by numbers, I'm going to teach you how to draw different pictures and color them by the numbers 1 to 4. So as you can see that this is a candle. This is the picture of the carrot. This is bird and this is log. These pictures are drawn by the numbers. If you know how to write the numbers 1 to 4, then you can draw the pictures and color them differently. Like, let me show you first. As the title suggests, this is fun with numbers. Ki numbers se hum kya kya kar sakte hain. अगर आप 1 to 4 नंबर्स लिखना जानते हैं तो उनसे हम डिफरेंट पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले आई डिवाइडेड द पेज इन 4 सेक्शंस और हम इनमें क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे 1 to 4, बट इट विल बी बिग इन द साइज. तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. इन द वेरी फर्स्ट सेक्शन आई एम गोइंग टू राइट 1. Right, this is number 1. This is a standing line, but हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है. Now I'm going to write number 2, लेकिन हमें कैसे लिखना है, big means बड़ा. अब हम number लिखेंगे 3. राइट और अब हम इसके बाद में नंबर लिखेंगे 4. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 नंबर्स लिखे हैं, 1, 2, 3 एंड 4. अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम नंबर 1 से कैसे एक सुंदर सा कैंडल ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, ये जो स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे आई है, इसको हम दोबारा से इसके बेस से मिला देंगे. राइट, इसके बाद में इस वाली लाइन को हम डबल कर लेंगे. इसके बाद में ऊपर हम क्या कर देंगे, ऊपर हम जो एक सी ड्रॉ करेंगे और उल्टा सी ड्रॉ कर देंगे. राइट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका थ्रेड बना देंगे. इसको हम थोड़ा सा और ब्यूटीफुली ड्रॉ कर सकते हैं. और इस तरीके से हमने क्या ड्रॉ कर लिया, हमने कैंडल ड्रॉ कर ली. अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है. नेक्स्ट नंबर इज नंबर 2. इसी तरीके से लिखते हैं. अब हम इसी को नीचे लाते हुए हम इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे हम थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे. राइट, अब हम ऊपर यहाँ पे कैरेट किया के ऊपर जो ग्रास होती है वो हम बना देंगे. कैरेट के ऊपर जो लीफ होती है उसको हम ड्रॉ कर देंगे. और इसको नेचुरल दिखाने के लिए और ब्यूटीफुल दिखाने के लिए बीच में हम हल्की हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये हमारी बन गई कैरेट. अब नंबर 3. 3 से हमको बनाना था बर्ड. सबसे पहले जो 3 में ऊपर वाला उल्टा सी है, इसको हम लाएंगे नीचे तक. राइट, इसके बाद हम इसकी बर्ड की जो है टेल बनाएंगे, जिसको हम यहाँ से मैच कर देंगे. यहाँ पे हम इसकी आइज बना लेंगे और यहाँ हम इसकी बीक मतलब चोंच बना लेंगे. ठीक, अब हम यहाँ पे इसके विंग्स यानी कि फैदर ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम इसके छोटे से लेग्स बना लेंगे. तो ये क्या ड्रॉ हो गया, बर्ड. अब नेक्स्ट देखते हैं 4 से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं.
और हम काफ़ी सारे पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी हम बहुत सिंपल सा पिक्चर ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहते हैं लॉग। इसको हम नीचे तक बढ़ा देंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। जो लकड़ी का लट्ठा होता है ना उसको हम बोलते हैं लॉग। तो इस तरीके से हमने ये पिक्चर्स ड्रॉ कर दी। अब हम इस पर आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन हम वैसे तो हमें ब्लैक कलर से करना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही इसको करके रखा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से, और इसके बाद में आप इसमें कलर्स अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसमें क्रेयॉन कलर्स कर लेंगे। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल पिक्चर्स रेडी हैं सिर्फ नंबर्स से। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। ये जो आपको पिक्चर्स बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इसको आप अपनी मैथ्स की नोटबुक में ही करिएगा, क्योंकि इसमें जो ब्लॉक्स होते हैं दे विल हेल्प यू टू ड्रॉ फाइनली एंड नीटली। और इसमें इसके बाद में आप ब्यूटीफुल से कलर्स कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न्ड हाउ टू ड्रॉ द कैंडल फ्रॉम नंबर 1, कैरेट फ्रॉम नंबर 2, अ बर्ड फ्रॉम नंबर 3 एंड अ लॉग from number 4. So I hope that you like the video. Thank you and have a nice day. Bye bye.